मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था को कैसे संभाला? 24% बहुत अच्छा कह रहे हैं, 48% अच्छा कह रहे हैं। मगर मैं इन न्यूज चैनल से पूछना चाहता हूं, ये रिपोर्ट करने से पहले क्या आपको थोड़ी सी भी शर्म आई थी? तो आने वाले समय में दोस्तों जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव और अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ती जाएगी। और स्कॉच ग्रुप ने पाया कि अप्रैल से जून के बीच 2.5 करोड़ से 3 करोड़ मजदूरों का रोजगार छिन गया। दोस्तों जब देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की सोच ही खत्म हो जाए लेकिन देश चलाना हो तो आप क्या कहेंगे? देश की अर्थव्यवस्था पर पिछले काफी समय से अर्थशास्त्री सरकार को लगातार सुझाव दे रहे हैं। अब कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था पर और बुरा असर पड़ा है। इस बीच इंडिया टुडे की ओर से एक सर्वे करवाया गया जिसमें चाइना से लेकर अर्थव्यवस्था तक जोर दिया गया। अर्थव्यवस्था पर क्या नतीजे आए आप पहले ये देखिए। अब हम आपको बताते हैं अर्थव्यवस्था के लिए सरकार ने कैसा कामकाज किया। ये सवाल जब हमने अपने इस देश का मिजाज मूड में लोगों से सर्वे में लोगों से पूछा है तो लोगों की राय क्या है? मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था को कैसे संभाला? 24% बहुत अच्छा कह रहे हैं, 48% अच्छा कह रहे हैं, औसत कहने वाले 21%। यहां पर 72% है जो अच्छा मान रहे हैं। कुल मिला लीजिए आप बहुत अच्छा और अच्छा को। सिर्फ 6% है उस तरफ जो कह रहे हैं कि खराब है। इस मंदी के दौर में भी सर्वे में ये ही दिखाया गया है कि मोदी ने अर्थव्यवस्था को अच्छा संभाला है। अभिसार शर्मा ने सर्वे पर मीडिया की आलोचना की और कुछ जानकारी भी दी। मुद्दे जो होने चाहिए उस पर कोई बात नहीं हो रही है। ना अर्थव्यवस्था पर बात हो रही है, ना कोरोना पे बात हो रही है, ना चीन पर बात हो रही है। उल्टा इंडिया टुडे ये सर्वे लेकर आता है जिसमें कहा जाता है कि चाहे कोरोना संकट हो, चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे चीन हो, प्रधानमंत्री का काम जबरदस्त रहा है। उनकी लोकप्रियता 66% से भी ज्यादा है। मान लिया, बिल्कुल मान लिया। मगर मैं इन न्यूज चैनल से पूछना चाहता हूं, ये रिपोर्ट करने से पहले क्या आपको थोड़ी सी भी शर्म आई थी? पिछले 13 सालों से इंडिया टुडे का जो मैगजीन है मेल टुडे, वो 13 साल बाद यानी 2020 में आकर बंद हो गया है आर्थिक मंदी के चलते। इंडिया टुडे के सर्वे के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने अर्थव्यवस्था को लेकर अच्छा प्रदर्शन किया है और दूसरी तरफ इंडिया टुडे का अपना ही पुराना अखबार बंद हो गया है। और इसके अलावा लॉकडाउन के दौरान ही मीडिया में काम करने वाले काफी लोगों को नौकरियों से हाथ धोना पड़ा है। इसके अलावा इंडिया टुडे के सर्वे ने एक सवाल पूछा था कि इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में मोदी सरकार मनमोहन सरकार से कितनी बेहतर है। इसके जवाब में 43% लोगों ने कहा कि बेहतर है और 45% लोगों ने कहा कि मोदी सरकार की परफॉर्मेंस सेम ही थी। आरबीआई ने हाल ही में अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जीडीपी का जिक्र किया था जिसमें आरबीआई गवर्नर ने कहा था कि जीडीपी ग्रोथ इस बार नेगेटिव रहेगी। रियल जीडीपी ग्रोथ इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर इज एस्टिमेटेड टू रिमेन इन द कॉन्ट्रैक्शन जोन। फॉर द ईयर 2021 एज ए होल रियल रेट रियल जीडीपी ग्रोथ इज ऑल्सो एस्टिमेटेड टू बी नेगेटिव। और हमें सपने क्या दिखाए गए थे? खुद प्रधानमंत्री की तरफ से 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के, शायद ही हम वहां तक पहुंच सकें। $5 trillion आज एक टारगेट, उसको हमारे सामने हमने रखा है। हमारे लिए $5 trillion इकोनॉमी ये महज आंकड़ा नहीं है बल्कि सामान्य भारतीय को सशक्त करने का माध्यम है। 2024 तक भारत को $5 trillion की इकोनॉमी बनाने के संकल्प को सिद्ध करने में जुटे हैं। वरिष्ठ पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी ने आरबीआई के जीडीपी पर दिए बयान पर सरकार से कुछ सवाल किए और कुछ अहम बातें भी बताई। दोस्तों जब देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की सोच ही खत्म हो जाए लेकिन देश चलाना हो तो आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं, आरबीआई से कहेंगे नोट छापते चले जाइए। तो क्या मौजूदा वक्त का सच यही है कि सिर्फ और सिर्फ नोट छप रहे हैं और सरकार इस देश को चला रही है? आप कहेंगे ये कैसे संभव है, इसके जरिए तो इन्फ्लेशन रेट बढ़ता चला जाएगा यानी महंगाई चरम पर पहुंच जाएगी। यकीनन महंगाई चरम पर पहुंचने की स्थिति भी जरूर आएगी क्योंकि इस वक्त का सच यह है कि इस देश में रोजगार नहीं है और आपके पास जो भी पैसा है
उस पैसे से जो इंटरेस्ट मिलता है, अगर बैंक में जमा पैसा है या फिर कहीं आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, उसके जरिए जो भी इंटरेस्ट आपको मिलता है, उससे ज्यादा महंगाई दर इस देश के भीतर की है। इस देश की इतनी बड़ी तादाद में कंपनियां अपने आप को बैंकरप्ट करके सरकार के दरवाजे पर दस्तक देने पहुंच चुकी है कि उनकी तादाद हजारों में है। अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर राहुल गांधी ने सरकार को एक बार फिर से घेरा है। राहुल गांधी पिछले कुछ समय से ही सरकार को अलग अलग मुद्दों पर घेरते आए हैं। इस बार राहुल गांधी ने इंफोसिस के संस्थापक NR नारायण मूर्ति के एक बयान का हवाला देते हुए तंजात्मक लहजे में बीजेपी के नारे मोदी है तो मुमकिन है को दोहराया है। ध्यान रहे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रत्यक्ष रूप से यह भी माना कि 20 लाख करोड़ का जो पैकेज सरकार ने घोषित किया उससे इकोनॉमी के रिवाइवल में किसी भी प्रकार का फायदा नहीं हुआ, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि 41 साल में पहली बार GDP ग्रोथ रेट नेगेटिव रहने की इस साल उम्मीद है। तो आने वाले समय में दोस्तों GDP ग्रोथ रेट नेगेटिव और अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ती जाएगी, आपकी पॉवर्टी रेट बढ़ती जाएगी, देश में भुखमरी बढ़ती जाएगी। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी सरकार को अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पे लाने के लिए 3 सुझाव दिए हैं। BBC के साथ बातचीत में उन्होंने कहा है कि सरकार को जो सबसे पहला काम करना चाहिए वो ये सुनिश्चित करना चाहिए कि लोगों की आजीविका सुरक्षित रहे और उनके प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक सहायता देकर उनके खर्च करने की क्षमता को बनाए रखा जाए। उनका दूसरा सुझाव ये है कि सरकार को सरकारी क्रेडिट गारंटी कार्यक्रम के जरिए व्यापार और उद्योगों को पर्याप्त पूंजी उपलब्ध करानी चाहिए। उन्होंने कहा कि तीसरा काम यही करना होगा कि उसे फाइनेंशियल सेक्टर में संस्थागत स्वायत्तता और प्रक्रियाओं के जरिए सुधार लाना होगा। मनमोहन सिंह ने कहा कि वो इस इकोनॉमिक डिप्रेशन नहीं कहेंगे, लेकिन देश में एक लंबे समय से गहरा आर्थिक संकट आना निश्चित था। आर्थिक मंदी और कोरोना की मार के चलते कई लोगों की नौकरियां भी चली गई। राहुल गांधी ने नौकरियों के मुद्दे पर भी तंज कसा है। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने देश के युवाओं से वायदा किया था कि 2 करोड़ युवाओं को वो रोजगार दिलाएंगे हर साल। बहुत बड़ा सपना दिया, सच्चाई निकली। 14 करोड़ लोगों को नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसीज ने बेरोजगार बना दिया है। ये क्यों हुआ? गलत पॉलिसीज के कारण। नोटबंदी, गलत GST और फिर लॉकडाउन, इन 3 कदमों ने हिंदुस्तान के स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को खत्म कर दिया है, नष्ट कर दिया है। और अब सच्चाई ये है कि हिंदुस्तान अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे सकता है। इसके अलावा NDTV के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने भी अपने शो में नौकरियां जाने को लेकर सरकार से सवाल किए हैं। 3 राउंड के सर्वे के बाद छोटे, लघु और मध्यम उद्योगों के संघ और स्कॉच ग्रुप ने पाया कि अप्रैल से जून के बीच 2.5 करोड़ से 3 करोड़ मजदूरों का रोजगार छिन गया है। अगस्त के अंत तक 1 से 1.5 करोड़ लोगों की नौकरी जा सकती है। इन 3 महीनों में 74% छोटे लघु उद्योगों ने नए कर्मचारियों को नौकरी नहीं दी है। कितनी बड़ी खबर है ये। भारत में 6 करोड़ 33 लाख MSMEs हैं, जिनमें 11 करोड़ 10 लाख वर्कर काम करते हैं। 2.5 करोड़ से 3 करोड़ का रोजगार छीनने का मतलब है कि करीब 25% वर्कफोर्स MSME सेक्टर में बेरोजगार हो गया, या वो सेक्टर है जो देश की GDP में 30% योगदान करता है, 30%। इस सेक्टर का कहना है कि NPA बढ़ने के आसार हैं, लोन नहीं चुका पाएंगे। हम तो अब उम्मीद ही कर सकते हैं कि सरकार जल्द ही कुछ ऐसे कदम उठाएगी जिससे आर्थिक मंदी को कम किया जा सके और अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पे लाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे TV। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।